और यहाँ पे आप देख सकते हैं होंडा की एक्टो फाइव जी डीओ एक्टो वन ट्वेंटी फाइव एक्टोवाई इन सभी भी दो तीन तारे सेम होती है जो कि मीटर में लगती हैं यहाँ पे क्या कुछ तारे कॉमन होती है जैसे कि अपने दोनों इंडिकेटर की हो गई और हाईवे भी होंगी और फ्यूल जो पीछे टंकी से बाहर आ रहा था वो ये चार तारे को लगभग हर स्कूटर में हर

बेस सेम है और जुपिटर के डिजिटल मीटर भी ये पूरा प्रोसेस सेम होगा और ये वायर भी पूरी सेम होगी सारे लगभग मेरे सारे स्कूटर्स में ये पूरी वायर सेम होगी यहाँ पे अब इसके बगल में आप देख सकते हैं वायलेट तार वायलट तार अपने इंडिकेटर के कौन सी वो मेरे को नहीं पता वो आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट की होगी या फिर राइट की होगी ठीक है अब तीसरी तार आप इसमें देख सकते हैं ब्राउन के संग वाइट की पट्टी आप देख सकते हैं ये वाले अपने रेडियो में ये न्यूट्रल की तार है जो कि अपने इंजन से आ रही है वहां पे एक कपलर लगा होगा वहां पे आप देख सकते हैं जहाँ पे इसका मैग्नेट का भी तार आ रहा होगा वहां पे उसके बाद फिर टी वी एस में ना ब्लैक के साथ वाइट पट्टी है अपनी इस पूरे नेगेटिव है और अपने जुपेटर में भी ये नेगेटिव है वहीं अपने होंडा में ये तार ग्रीन हो जाते हैं आप देख सकते हैं सब में ग्रीन लगा होगा और ग्रीन का आप ये देख सकते हैं कितना मोटा तार है टोटल इसमें पांच छह तार जुड़ी है आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छ तार जुड़ी हैं तो ये इसका नेगेटिव है उसके बाद फिर अपना ऑरेंज ऑरेंज इसका पॉजिटिव है ये ट्वेल्व वी का वहीं अपने होंडा एक्टवा फाइव जी में ना ये इसमें ये ब्लैक कलर का होगा आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर का और इसी से अपने एक्टोआ फाइव जी की मीटर की लाइट भी चालू हो जाती है और अंदर फ्यूल सिग्नल भी चला जाता है वहीं इसमें अपना देख सकते हैं सेम अपना जुपीटर में होगा वीगो में होगा टी वी में भी लगभग सेम होगा उसके बाद फिर अपना तार है सिल्वर कलर का सिल्वर वाला अपना इसका मीटर की लाइट का यहाँ पे इसके दो कपलर लगे होंगे सिल्वर वाले आपे देख सकते हैं एक एक है, और, और यहां पर कहीं होगा ये ये रहा मीटर की लाइट का अगला तार है येल्लो वाला येल्लो वाला इसका हाई बीम का है जूपिटर में भी येल्लो वाला हाई बीम का है तो इसमें आप ये, ये देख सकते हैं रहा है। ये, ये, है। ये, है। ये, ये सब सेम तार होंगे आपके सारे स्कूटर्स में उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं ग्रीन वाला ये वाला भी इसके इंडिकेटर का है और आप ये देख सकते हैं सारे अपने जो कॉर्नर्स वाले सारे तार थे वो हो गए अब बस इसमें के बीच का तार रह गया ये वाला बीच का तार अपना मैं निकाल देता हूँ आप ये देख सकते हैं ये वाला तार ये वाला तार अपना जो साइड स्टैंड है ना जो रेड वाला जहां पे फ्यूल का लगाया था रेडियो में उसके नीचे जो रेड वाला है वो अपना साइड स्टैंड इंडिकेटर क्या आपका साइड स्टैंड नीचे लगा हुआ है या फिर नहीं लगा है ये उसका है तो ये पूरा आपने मैंने आपको दिखा दिया पूरा आपका सेम होगा पांच छः पांच तार तो मैंने समझा समझाने टीवीएसपोर्ट जुपिटर वीगो स्कूटी पैप सब में सेम होगा अब बचे ये सिर्फ ये दो तार तो आप ये दो तार समझ लोगे हाँ ये टीवीएस में इको और पावर के तार है ये वाला इको का होगा या फिर फ्री वाला इको का होगा या फिर एक या पावर का होगा ठीक है और क्या यहाँ पे रेडियो में ना इसमें एलईडी बल्ब यूज किए होते हैं कंपनी ने अपने इको और पावर में हर जगह एलईडी बल्ब यूज किए हैं यहाँ पे जुपिटर का लो फ्यूल इंडिकेटर मैंने एक्टा में लगा उसी के साथ इक्वर पावर का भी है उसमें भी कंपनी ने एलईडी यूज किए हैं बाकी इन सब में कंपनी ने टी टेन बल्ब यूज किए हैं और ये आप पूरा देख सकते हैं यहां से भी आपको दिखा देता हूँ देख सकते हैं सिल्लर वाला ये दो में कन्वर्ट हो रहा है और ये आप देख सकते हैं ये हर जगह का ये यह नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट हो रहा है वैसे मैं बाइक पे कम वीडियो बनाता हूँ पर मेरे को ये मिल गया वैसे मैं कुछ और लेने जाता हूँ सर्विस सेंटर से पर उन्होंने कहा कि अभी यही ले जाओ तो मैंने कहा ठीक है कुछ और लेने जाता हूँ कुछ और मिल जाता है कुछ और वीडियो बन जाता है यहाँ पे इसका फ्यूल का ना ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है और ये वाला तो मैंने बताया आपको ये फ्यूल पंप से आ रहा है मेरे पास ना मेरे पास टीवीएस डुप्ट ग्राइंडे का भी डिजिटल मीटर कपलर के सारे तारे मेरे को पता है कौन सी पर उसमें भी वीडियो जल्दी बनाऊंगा तो बस आज के लिए तो ये था अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम ऐसी ऑटोमेटिक नोटिवेशन लाते रहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो